दमन फिल्म जो कि ओडिया ओरिएंटेड रीजनल फिल्म है और इसे पैन इंडिया रिलीज़ किया जा रहा है अब हिंदी भाषा में, क्योंकि ओडिया में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। ऐसे में आज इस फिल्म के जो एक्टर्स हैं बाबूशान और दीपान्वित, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जब ओडिया में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्या एक मनोस्थिति थी आपकी कि इसको अब हिंदी में भी रिलीज़ किया जाना है? आई थिंक जब पहली बार ओडिया में फिल्म नवंबर 4 को रिलीज़ हुआ था, तो आई थिंक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस विल बी दैट मच हिट। एंड आई थिंक मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि इट्स अ पीपल्स फिल्म, और लोगों ने इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाया है। एंड उड़ीसा में इट्स ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 80-90 डेज, सो इट्स नाउ स्टिल नाउ ऑल्सो इन देयर। आई थिंक जब हिंदी में आया तो इट्स अ बिग बूस्ट फॉर अस, क्योंकि ये सिर्फ दमन के लिए नहीं, पूरे ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि ज़्यादातर ओडिया फिल्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं बाहर। तो आफ्टर दमन पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस, आवर फिल्म, आवर क्राफ्ट्समैनशिप, आवर पीपल, आवर ऑल द टेक्नीशियंस जिन्होंने दमन में काम किए, उनके बारे में बात हो रही है। तो आई थिंक इससे बड़ा बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। वी नीडेड दिस फिल्म फॉर नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द इंटायर फिल्म इंडस्ट्री ऑफ उड़ीसा, फॉर द ओडिया पीपल, बिकॉज रिकॉग्निशन नहीं मिला था फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे। आई एम रियली थैंकफुल टू माई डायरेक्टर, माई एंटायर टीम, माई प्रोड्यूसर, उन्होंने एक मौका दिया, अच्छा स्क्रिप्ट लाया, सब लोगों ने मेहनत किया है, दीपान्वित एंड एंटायर टीम, बहुत खुशी है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट फिल्म, दैट आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ऐसे में फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी की ऑडियंस काफ़ी अलग होती है, उनकी सोच या फिर कंटेंट कंज्यूम करने की जो पर्सपेक्टिव होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पर इस फिल्म को लेकर कितने कन्विंस्ड हैं आप कि ये मासेस को हिंदी में अट्रैक्ट कर पाएगी? अच्छी पिक्चरें सबको अच्छी लगती है, दैट्स ऑल। इट इज़ नॉट अबाउट हिंदी, हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। व्हाई कांट उड़ीसा मेक अ हिंदी फिल्म? That is my point. We need to make good films. That's it. That's all. I think ये film Bombay में भी, उड़िया में भी release हुआ था, and people are loving it. So हम जब बहुत सारे reviews देखे हैं, बहुत सारे reviews पढ़े हैं, जो लोग उड़िया में भी देखे हैं subtitle के साथ, उनको ये film बहुत अच्छी लगी। I think जब हिंदी में देखेंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा, they will connect more, and उनको एक typical जो उड़िया फिल्म है, जो उड़िया फिल्म कैसे बनाया जाता है, उनके बारे में पता चलेगा। जी, ऐसे में फिल्म जो है वो 3 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है पैन इंडिया हिंदी में। तो ऐसे में क्योंकि अभी अभी पठान रिलीज़ हुई है और उसको 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा जब आपकी फिल्म दस्तक देने वाली है थिएटर्स में, क्या उम्मीद रखते हैं सर्वाइवल में, या फिर क्योंकि प्रोड्यूसर्स के भी पैसे लगे होते हैं और जब पैन इंडिया भी रिलीज़ कर रहे हैं काफ़ी उम्मीदें होंगी और आप पर भी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई होगी, क्या उम्मीद रखते हैं पठान के सामने टिक पाएगी? I'm a huge fan of Shah Rukh sir. We all are actually. I've learned acting from him. Unka aashirwad rahe hamare upar bas. I think दमन हिंदी में रिलीज़ हो रही है बिकॉज इट्स अ गुड फिल्म, नहीं होता तो हम नहीं करते, ये नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते। आई थिंक उड़िया लैंग्वेज में फिल्म अपने आप को प्रूफ कर चुकी है। आई थिंक कंपटीशन के कुछ बात नहीं है, वी आर डिफरेंट जॉनर, ना डिफरेंट जॉनर, पीपल विल लव इट। पीपल जो जो रीजनल सिनेमा देखना पसंद करते हैं, जो लोग कंटेंट बेस्ड सिनेमा देखना पसंद करते हैं, दे विल लव इट। कि इसे मतलब इतने जल्दी रिलीज़ ना करें, क्योंकि 25 तारीख को ही पठान रिलीज़ हुई है और 3 तारीख को आप रिलीज़ करें, थोड़ा और पुश करते तो थोड़ा कुछ अलग होता। सब लोग एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को कंटेंट मूवीज़ चाहिए, अच्छी मूवीज़ चाहिए, वो फिल्म तो हिट है, वही बोला शाहरुख सर का आशीर्वाद रहे हाथ बस। कल जब मैं आए बॉम्बे तो
यहाँ पे इन्फिनिटी में पठान के बाजू में हमारा भी पोस्टर लगा था, तो दैट वाज लाइक बड़ी खुशी क्या है, खुशी क्या है, दैट लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। एंड आई थिंक जैसे भाई भाई ने बोले कि एवरीवन नॉट लव टू वॉच एक्शन फिल्म, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, लेकिन दमन एक बहुत ही अलग फिल्म है। अब पठान देख के बाहर आके फिर दमन देख सकते हैं, कुछ भी नहीं ऐसे। ऐसे में जो रीजनल लैंग्वेजेस की जो फिल्म है उनको भी अब पैन इंडिया रिलीज़ किया जा रहा है, ये कदम मेकर्स की ओर से भी उठाए जा रहे हैं, मीट साउथ की फिल्म या नॉर्थ ईस्ट की फिल्म हो जाए या उड़िया की फिल्म हो जाए, बंगाल फिल्म्स हो जाए, सो इस चेंज को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि रिसेंटली पास्ट में एक डिबेट भी हुई थी जहाँ वो लोग हिंदी लैंग्वेज को लेकर काफ़ी कुछ कह रहे थे कि हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, उस चीज़ को लेकर। सो अगर नेशनल इट्स ऑल अबाउट इंडियन फिल्म्स, देयर नेटफ्लिक्स, देयर हॉटस्टार, लोगों के पास बहुत ऑप्शन है। सो समवन वॉचेस जेम्स बॉन्ड, डैनियल क्रेग, उनके पास ऑप्शन है, वो मेरे को क्यों दिखेगा? तो हमको कम्पीट भी करना है, हमारे पास भी ऑप्शन है इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए। दैट इज़ वॉट इट्स ऑल अबाउट। आई थिंक रीजनल सिनेमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, सिर्फ एक्टर नहीं है, टेक्नीसियन हैं और बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो रीजनल सिनेमा में काम करते हैं, एंड देर उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो जैसे ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको अब पूरे इंडिया देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इससे बड़े बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कुछ नहीं है। आई थिंक ये दिस शुड कंटिन्यू कि ज़्यादातर रीजनल सिनेमा रिलीज़ होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जिनको वो उस लेवल में पहुंच नहीं पाते हैं। आई थिंक रीजनल सिनेमा अगर आगे बढ़ेगा तो दे विल गेट एक्सपोजर। रीसेंट में जब ट्रिपल आर को सम्मानित किया गया इंटरनेशनली तो सबने कहा कि इनफैक्ट जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी कहा कि ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये साउथ की फिल्म है। सो ये जो जब क्रेडिट लेने की बात आती है तब लोग सामने आ जाते हैं कि इसको एज अ ये भी यू नो फिल्म नहीं है, ये इंडियन फिल्म है। जी, सो आप जब ये पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म को लेकर आ रहे हैं तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि इंडियन फिल्म है, ये इंडियन फिल्म है, ये उड़िया फिल्म नहीं है, ये इंडियन फिल्म है। इट्स ऑल अबाउट डॉक्टर्स, देयर स्ट्रगल, वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग आवर स्टेट। आई थिंक इफ द सिनेमा इज गुड, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। अगर लोगों को फिल्म समझ में आ रही है तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। एंड जैसे मैं बोला कि मुंबई में भी लोग उड़िया में फिल्म देख चुके हैं, उनको पसंद आ चुका है, तो आई थिंक हिंदी में क्यों नहीं, तो दे विल रिलेट मोर, दैट विल बी देयर लैंग्वेज। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। में दमन आ रही है 3 फरवरी को, क्या उम्मीद रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि क्या यूएसपी होगी कि लोग मजबूर हो जाए थिएटर्स में जाकर दमन देखने के लिए? सबको रिक्वेस्ट करते हैं, एक उड़िया फिल्म है लेकिन अब इंडियन फिल्म बन चुकी है, प्लीज़ आइए देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मेहनत से बनाया हमने। मैं भी वही कहना चाहूँगी, 3 फरवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है तो थिएटर में आइए देखिए। दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए कट ऑफ एरिया इन ओडिशा, लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं होगा मेट्रो सिटीज़ के जो लोग हैं कि कटअप एरिया में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे नक्सलाइट्स है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे रोड्स नहीं है। तो दिस इज़ अ फिल्म अबाउट ऑल ऑफ दिस, एंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म पीपल विल थिंक अबाउट इट कि इंडिया में ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सब पहुँच नहीं पा रहे हैं, दे हैव टू थिंक। ऐसे में 3 फरवरी को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में हिंदी में रिलीज़ हो रही है दमन। कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक।